आई गेस आपका स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे Realme 3i की, जो कि हमारे बजट सेगमेंट का काफी तगड़ा डिवाइस लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कितना तगड़ा है। ये खुल गया हमारा बॉक्स। सबसे पहले डिवाइस पे नजर डालेंगे। मेरे पास इसका डायमंड ब्लू कलर है। So, ये रहा हमारा डिवाइस, जो कि डायमंड ब्लू कलर में काफी बढ़िया नजर आ रहा है। वैसे आपको इस डिवाइस के अंदर रेड कलर और ब्लैक कलर दोनों की ऑप्शन और मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लू कलर में ज्यादा बेटर लग रहा है। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 156.1 इसकी हाइट है, 75.6 इसकी विड्थ और 8.3 mm इसकी थिकनेस, और ये डिवाइस हमारा 175 grams का है। लुक एंड डिजाइन वाइज तो डिवाइस हमारा ठीक है। अब आगे बात करते हैं जल्दी से इसको स्विच ऑन करके डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर में मिलता है 6.22 इंच का HD+ डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको मिलता है वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही स्क्रीन गार्ड भी डिवाइस के ऊपर लगा हुआ मिलता है। लेकिन देखा जाए तो 10,000 रुपए के बजट में हमें HD+ डिस्प्ले नहीं मिलना चाहिए। Redmi Note 7 में Full HD+ मिलता है, Samsung M20 के अंदर Full HD+ मिलता है और Realme के खुद का Realme U1 में Full HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो कि 9,000 रुपए का डिवाइस है। तो ये HD+ डिस्प्ले के साथ क्यों निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में। इसके अंदर में मिलता है Helios P60 का प्रोसेसर, जो कि कम कर दिया गया है। मतलब कि Realme के अगर हम U1 की ही बात करें, उसके अंदर हमें P70 का प्रोसेसर मिलता है। 6 महीने पहले Realme U1 आया था, उसके अंदर भी P70 का प्रोसेसर था, और 1 साल पहले Realme 1 जब आया था तो हमें मिला था Helios P60 का प्रोसेसर उसके अंदर। और अभी ये डिवाइस नया निकाला गया जिसके अंदर हमें Helios P60 का प्रोसेसर मिलता है। ऐसा क्यों करा है, डाउनग्रेड क्यों कर दिया प्रोसेसर को, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। साथ में वैसे आपको एंड्रॉइड पाए मिलता है, 3GB RAM 32GB वाला वेरियंट आपको 8,000 रुपए में मिल जाएगा, 4GB 64GB वाला वेरियंट आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको कम कर दिया गया। और साथ ही Realme 3 की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी P70 मिलता है। तो Realme 3i के अंदर P60 देने का क्या मतलब था। अब कंपनी ने दिया है तो पता नहीं क्या सोच के दिया है, लेकिन अगर हम इसके एंटीटू स्कोर की बात करें तो वो आया है 1,33,000। और वैसे हम इसका कंप्लीट गेमिंग रिव्यू भी कर लेंगे, बाकी टेस्टिंग भी कर लेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे चाहेंगे तो मैं इस डिवाइस का कंपेरिजन U1 के साथ जरूर करूंगी, क्योंकि दोनों सेम बजट में आते हैं तो कंपेरिजन तो इनका बनता है। अगर आपको देखना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के कैमरा सेटअप के बारे में। हमें मिलता है बैक में 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। 13 वाले का अपर्चर है 1.8 और 2 वाला हमारा डेप्थ सेंसर वाला लेंस है, और फ्रंट में हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर 2 है। और Realme 3 में तो दोनों फ्रंट एंड बैक कैमरा सेम थे, U1 के अंदर हमें बैक में तो सेम मिलता है, फ्रंट में 25 मिल जाता था, लेकिन इसमें हमें Realme 3 वाला ही सेटअप मिलता है। बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कहेंगे मैं इसको, ओके लग रही है, लेकिन एक आधी पिक में आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा एक्सपोजर वाइज प्रॉब्लम आएगी आपको, बाकी पिक्स ठीक ले रहा है, ओके टाइप पिक्स है हमारी। और वैसे आपको इस डिवाइस के अंदर स्लो मोशन शॉट भी मिल जाता है, वो अभी आप देख सकते हैं। ये फैन हमारा फुल स्पीड पे चल रहा है, लेकिन इसको स्लो मोशन में ये स्लो करके चला रहा है। अब सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो उसकी पिक्स पे भी नजर डाल सकते हैं। इसकी पिक्स के अंदर भी आपको सारे मोड मिलते हैं, नॉर्मल मोड, ब्यूटी मोड, ब्यूटी के अंदर सारी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाती है और फिल्टर्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, एज डिटेक्शन भी ठीक है डिवाइस का, और ब्लरिंग, बैकग्राउंड ब्लरिंग भी ठीक कर रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो Realme 3 वाला ही हमें कैमरा मिल रहा है, अपग्रेड नहीं किया गया कैमरा को। आगे बात कर लेते हैं, अब हम इस डिवाइस के अगर फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी हमारा ओके परफॉर्म कर रहा है, आईज बंद में नहीं खोल रहा है, ये अच्छी बात है। और फिंगरप्रिंट लॉक तो हमारा फिजिकल वाला है, आप देख ही सकते हैं बहुत ही क्विकली, बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है और फटाफट से हमारे डिवाइस को अनलॉक कर रहा है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मिल जाता है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और पीडियोमीटर भी मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम डिवाइस की बैटरी की बात करें तो हमें इसके अंदर मिल जाती है 4230 mAh की बैटरी। बैटरी बड़ी मिलती है हमें, सेम बैटरी हमें मिलती थी Realme 3 के अंदर। आगे अगर हम बॉक्स कंटेंट पे नजर डालें तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 10 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जर हमें नहीं मिलता बॉक्स के साथ। और उसके साथ ये है हमारी microUSB केबल, क्योंकि microUSB पोर्ट मिलता है तो इसलिए microUSB केबल मिलती है। ईयरफोन्स हमें नहीं मिलते बॉक्स के साथ। और उसके साथ इस साइड आप देख सकते हैं, ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स,
साथ में ये है हमारा बैक केस जो कि नॉर्मल टीपीयू केस है और डिवाइस के ऊपर हमारा काफी सही लग रहा है। सो गाइस ये था हमारा Realme 3i जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो बढ़िया ऑप्शन नहीं है। इस बजट के अंदर हमारे पास काफी सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे Redmi का Note 7 आ जाता है, Samsung का M20 आ जाता है और बड़ी बात मैं क्या करूं, Realme की ही तरफ से बढ़िया ऑप्शन आ जाती है Realme U1। एक्चुअल में कंपनी ने इस डिवाइस के अंदर कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, Realme 3 ही हमें दे दिया है पूरा, लेकिन बस उसमें से जो उसका प्रोसेसर था वो हटा दिया गया है। मतलब कुछ बढ़िया तो दिया नहीं गया, कुछ कम ही कर दिया है। सो मेरे हिसाब से तो ये डिवाइस ज्यादा बढ़िया ऑप्शन नहीं है, आपको इस बजट में और भी बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगी। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।